बीते शनिवार को 46 असम राइफल्स में तैनात कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनके परिवार को निशाना बनाते हुए बेहद ही कायराना अंदाज में घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कर्नल विप्लव समेत उनकी पत्नी अनुजा और 5 साल के बेटे अबीर की दर्दनाक मौत हो गई। मणिपुर में हुए आतंकी हमले में घात लगाकर गाड़ी को उड़ा दिया गया। इस हमले में करीब 7 लोगों की जान चली गई, जिसमें शहीद कर्नल विप्लव का परिवार भी शामिल है। शहीद कर्नल विप्लव का परिवार दिवाली की खुशियों में एक साथ था, लेकिन किसे क्या खबर थी, यह हंसता खेलता परिवार एक हफ्ते बाद ही इस तरह से बिखर जाएगा। विप्लव की मां को जब परिवार के बिखर जाने की खबर मिली तभी से बेसुध हैं। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था इस तरह हंसता खेलता परिवार आतंकियों के एक हमले का शिकार हो जाएगा, लेकिन विप्लव के साहस और उनकी हिम्मत को देश सलाम करता है। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का परिवार हमेशा से देश के लिए समर्पित रहा है। विप्लव के दादा किशोरी मोहन त्रिपाठी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। अपने दादा की देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर विप्लव ने सेना की वर्दी पहनने की ठानी थी। पिता सुभाष त्रिपाठी सीनियर पत्रकार थे, जबकि माँ रिटायर्ड लाइब्रेरियन है। 30 मई 1980 को जन्मे विप्लव ने मध्य प्रदेश के रीवा स्थित सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी। 2001 में विप्लव रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन हुए। उसके बाद उन्होंने वेलिंगटन के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से कमांड का कोर्स पास किया। विप्लव के छोटे भाई अनिल त्रिपाठी ने भी रीवा सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी, वो भी आर्मी में है और इस समय शिलोंग में पोस्टेड है। शहीद कर्नल के मामा राजेश पटनायक ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले विप्लव की पोस्टिंग मणिपुर में हुई थी, उससे पहले वह मेरठ कैंट में थे। करीब 1 साल पहले वे अंतिम बार रायगढ़ आए थे। मामा ने बताया कि विप्लव बेहद ही शांत और नम्र स्वभाव के थे। कभी कभी तो लोगों को आश्चर्य होता था कि वे सेना में कैसे चले गए। देश शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनके परिवार को सलाम करता है।